अस्सलाम वालेकुम इलीना, मैं हूं जाद चायवाला। मैंने अभी एक वीडियो बनाया है कि यू शुड सेल एट ट्रैफिक सिग्नल्स। आपको ट्रैफिक सिग्नल्स पे बेचना चाहिए, उस पर किराया नहीं होता, फोड़ी कर सकते हो। नया ऑडियंस है, बार बार आता है, ढेरों सा उतना ही है जितना बाजार में होता है। एंड कैप्टिव ऑडियंस है, यानी वो बैठे होते हैं, भाग तो सकते नहीं, गाड़ियों में बैठे हुए हैं। फिर मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी चीज़, यानी किस किस किस्म की चीज़ वहाँ पे आपको बेचनी चाहिए, किन चीज़ों पे आपको ध्यान देना चाहिए। और मैंने उसमें ये भी मेंशन किया कि मैं एक लिस्ट देने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू गिव यू 10 चीज़ें जो आप इंटरचेंजेस पे बेचो पाकिस्तान में। कुछ सीजनल हैं, कुछ ज़ाहिर आपको सदा पूरा साल नहीं भी आप बेच सकते, बट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो प्रॉफिटेबल हैं, कम पैसे में ले सकते हैं, दे कैरी गुड प्रॉफिट, ठीक है। एंड यू कैन मेक एनीथिंग फ्रॉम 1,000 से 5,000, ठीक है, पर डे सेलिंग एट इंटरचेंजेस। यस यू कैन, कर सकते हो आप, ठीक है। सो जो पहली चीज है, मैं रेकमेंड करूंगा फोन होल्डर्स, इन कार फोन होल्डर्स। मेरे पास है, 200 रुपए का मैंने लिया था, किसी भी होलसेलर से आप 100 रुपए से कम का ले सकते हो। इट हैज अ क्लियर मार्जिन, याद रखो लोग, यू आर देयर फॉर 10 आवर्स, ठीक है। आप ध्यान रख लो कि मैं 10 घंटे के लिए वहां हूं, एंड वी से कि हर 15 मिनट के बाद आप एक बेच रहे हो, बिकॉज हर पंद्रह मिनट में वहां पे कम से कम 7 बार गाड़ियां रुकनी है। यू हैव 7 बार आपके पास अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आप भाग भी सकते हो इन डिफरेंट डायरेक्शंस, ओके। तो क्यों नहीं आप एक बेचोगे इसमें, इन दैट 15 मिनट्स यू कैन एवरेज एट 400 रुपया मार्जिन है, 400 रुपीज पर आवर, 10 करो तो 4,000 रुपया बनता है, ओके। सो फोन होल्डर, ये फोन होल्डर कौन सा होता है, कि हर बंदे को चाहिए होता है यार, सैट नैव लगाने के लिए, to do many other things. मैंने एक लिया था, ऑलमोस्ट मुझे साल हो गया पाकिस्तान आए हुए, आज तक लगा हुआ, इट्स अ सॉलिड थिंग, सो दैट्स व्हाट आई वुड रेकमेंड। दूसरी चीज, चार्जिंग केबल्स, एंड्रॉइड के भी और iOS के भी, 30 रुपए के मिलते हैं हमारे मोटे, 40 रुपए के अच्छे हाथ से मिल जाते हैं, put them up there for 80 rupees, 100 rupees, डबल करते जाओ अपना पैसा। ऑक्स केबल्स, काफ़ी लोग जो पुरानी गाड़ियाँ दे नीड, छोटी गाड़ियाँ दे नीड ऑक्स केबल्स, वो भी बिकेंगे, मैं इतने नहीं बिकेंगे जितने आपके चार्जिंग केबल्स बिकेंगे, बट इन ऑल ऑफ दीज आप अपना पैसा दुगना कर सकते हो। एंड इट्स अ क्वाइट कॉमन चीज़, अगेन याद रखो 10 घंटे आप वहाँ पे हो, कितनी अपॉर्चुनिटी है, क्रेजी 10 टाइम्स 777 क्या होता है, 280 सेलिंग अपॉर्चुनिटीज आपके, 280 बार ये गाड़ियां रुकेंगी। एंड फिर एक एक लाइन में आप देख रहे हो, 3-3 लाइनें भी अगर हूँ, अच्छा सा इंटरचेंज हो, तो यू विल हैव क्रेजी अमाउंट ऑफ ऑडियंस जो बैठे हुए हैं, कहीं जा नहीं सकते, जिनको आप बेच सकते हो, राइट। सिगरेट लाइटर, यूएसबी, ये तीनों तकरीबन एक ही हैं। जाहिर अगर आपको यूएसबी लगानी है, आपके पास यूएसबी नहीं है, मेरे पास अच्छी खासी है, 4 वाली है, इट वर्क्स, उसमें एक एंड्रॉइड केबल लगा हुआ है, एक मेरा इन कार कैमरा लगा हुआ है, और 2 iOS के लगे हुए हैं, एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट वर्क्स एब्सोल्युटली फाइन। उसके बाद ये सदाबहार चीज चलती रहेगी, वाटर, ठीक है। जरूरी नहीं कि ठंडा हो, थोड़ा नीम ठंडा हो सकता है फॉर सर्दियाँ, लेकिन पानी लोग पीते रहेंगे। कोल्ड ड्रिंक्स, ब्रांडेड कोल्ड ड्रिंक्स, जूसेस वगैरह, लेकिन आप जिस तरह दुकान पर अगर 30 का मिलता है, आप 40 का बेचो, यार इंटरचेंज है, यू नीड टू अप योर मार्जिन। पांचवी चीज़ है गुलाब, मैं कई बार बोल चुका हूँ, गुलाब का मिसाल दे चुका हूँ, देयर सिस्टर्स जो 1,00,000 रुपए से ऊपर कमा रही हैं हर महीने, रोज़ बेच के, गुलाब बेच के, लेकिन जिस जगह वो बैठी हैं, अगर आप इंटरचेंज पे बैठी होती तो देर बी मेकिंग मैनी लाख रुपीज। रोज़ के साथ आते हैं जैसमिन, ये सीजनल है, बट वॉच माई वीडियो ऑन रोज़, जो मेरा गुलाब बेचने वाला वीडियो वो लाजमी देखो, आपको तरकीबें मिलेंगी जिसमें आप ये जैस्मिन को क्या कहते हैं उर्दू में, यार वो सफेद होते हैं ना, हार से बने होते हैं, दोस्त आपको समझ आ गई मैं क्या कह रहा हूँ। द नेक्स्ट थिंग इज ब्रांडेड स्नैक्स, ठीक है, वही बात, आप बंदा बैठा हुआ है, उसका ध्यान नहीं है, इसको इम्पल्स बाई बोलते हैं, जैसे वो देखे ना यार, कोई मूँगफली देख लेगा, कोई लेस के क्रिस्प देख लेगा, कोई भी चीज़ देख सकता है, देखेगा इमीडिएट, यार चलो एक दो दे दो, ठीक है यार मुझे कैचअप हो रहा है। एंड ज़्यादा वराइटीज़ नहीं आपने रखनी, ज़्यादातर 4 रखनी है, बिकॉज आपने आगे बेचनी है, ज्यादा चॉइस दोगे तो वो ज्यादा टाइम लगाएंगे अपना। उसके बाद आठवीं, अगर आप किसी शहर के एग्जिट में रहते हो या आप लैंडमार्क के करीब रहते हो, मीनारे पाकिस्तान हो गया, व्हाटएवर, सुवेनियर्स, छोटे छोटे चाइनीज सुवेनियर्स, ठीक है, क्योंकि पीपल लाइक सुवेनियर्स, लेकिन सस्ते हों, स्ट्रेट फॉरवर्ड हों, मीनारे पाकिस्तान के करीब हो, इंटरचेंजेस पे हो, तो आपके पास 3 साइजेस हों, यार एक 2 फुट का हो जाए, 1 फुट का हो जाए, एक छोटा सा हो जाए। सुवनियर्स में ये भी हो सकती है, जिसको सौगात कहते हैं, यार अगर मुल्तान में तो मुल्तानी हलवा, आप कराची में हो तो उनकी निमको वगैरह वगैरह, वट एवर इज उस रीजनल के, यानी गुड़ है तो गुड़ दे दो, पैकेट इन स्मॉल थिंग्स। कोई बंदा जा रहा है, हमेशा होता है यार, अच्छा आप फलां जा रहे हो रेवियाँ उसकी ले आना, यार फलां जगह जा रहे हो उसकी निमको ले आना। सो सुवनियर जरूरी नहीं है कि मीनारे पाकिस्तान के बाद अब मुजस्मे छोटे छोटे उसके बेच रहे हो, इट खुड बी समथिंग खाने की चीज़ भी, लेकिन यानी उस इलाके के मुताबिक, दरअल्ला उस पर प्राइस लिखी होनी चाहिए,
दिस इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर, सारी चीज़ों में प्राइस लाजमी होनी चाहिए। उस वीडियो को अगर आपने देखा है तो उसमें आई फॉरगॉट टू मेंशन कि प्राइस सामने नजर आनी चाहिए। तक बंदा कहेगा 50 रुपए का यार ये ड्रिंक है, 40 रुपए की बोतल है, 30 रुपए की बोतल है, या केबल जी 80 रुपए का मैं ले लेता हूँ, 200 रुपए का, यानी उसको एडवांस में वहाँ पे आप बातचीत तो कर नहीं सकते। अगले ने म्यूजिक लगाया हुआ, अगले ने AC लगाया हुआ, अगला जानबूझ के आपको इग्नोर कर रहा है, क्लियरली लिखा होगा ये चीज़ 20 रुपए की, ये लो, उसका ध्यान हो जाएगा, इट्स एन इम्पल्स बाय, ओके 20 रुपए क्या है, 200 रुपया क्या, ही विल बाय इट फ्रॉम यू, सो रिमेंबर वहाँ पे प्राइस आपने लगानी है। फिर आगे अगली चीज़ है, दिस इज समथिंग आई परचेस, मुझे पता है हर गाड़ी की जरूरत होती है, हर गाड़ी में अगर बच्चे नहीं है तो बड़े, एवरीबडी नीड्स इट, इज स्मॉल पैकेट्स ऑफ जो पॉकेट साइज टिश्यू होते हैं, या उससे बेहतर वेट वाइप्स नहीं होते जिनसे जो बच्चों के लिए इस्तेमाल होते हैं, या लेडीज अक्सर मेकअप उतारने के लिए इस्तेमाल करती हैं, या रुमाल बेच सकते हो, रुमाल जो कपड़े वाला होता है, बट टिश्यूज वेट वाइप्स अमेजिंग, 20-20 रुपए, 30-30 रुपए वाली आइटम है, उमूमन लोग आप को टिप भी छोड़ जाएंगे इंशाल्लाह, या 100 रुपए के जी 4 दे दो, पुट सम डील्स ऑन लाइक दैट। लास्टली वॉश्ड फ्रूट, इस पर मैं थोड़ा क्योंकि किसी ने यानी सजेस्ट किया था कि कटा हुआ, सर नो कटा हुआ नहीं, क्योंकि अगर कोई कटा हुआ फ्रूट होगा मैं नहीं लूँगा, मुझे हमेशा शक रहेगा गंदी जगह पे कटा गया है, कब कटा गया एक्सेट्रा। वॉश्ड फ्रूट इन बैग्स, छोटे छोटे पॉलीथीन के बैग होने चाहिए, एक सेब उसमें पड़ा हुआ है, धुला हुआ है, एक उस पर शायद एक आध केला पड़ा हुआ है, एक शायद गुच्छा अंगूरों का पड़ा हुआ है, दीज आर द थिंग्स दैट वुड सेल इन पाकिस्तान। और उसमें क्या है कि किलो के हिसाब से ना देखो, अगर सेब है तो यार आराम से कोई बंदा 25 रुपये 40 रुपये 50 रुपये दे देगा, एक केला आई डोंट नो आजकल 80 रुपए के दर्जन है, 20 रुपए आप लगा दो, 20 रुपए का केला, कोई यानी देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल पाकिस्तान में जो हेल्थ कॉन्शियस है, मैं पैकेट लूँ क्रिस्प का जिसको चिप्स हम लोग कहते हैं, लेस का लूँ एक पैकेट, या ये ले लूँ, एंड दे विल देयर मेनी पीपल जो केला ले लेंगे, 20 रुपए का वो ज़्यादा सोचेंगे नहीं, ठीक है। लेना तो कल मैंने एक वीडियो बनाया था अबाउट वो चीज़ें जो आपको बेचनी चाहिए ट्रैफिक सिग्नल्स में, ठीक है, तो उसमें मैंने कहा था कि यू कैन मेक पोटेंशली 1,000 से 5,000 पर आइटम। नाउ एक चीज़ मैं वहाँ कहना भूल गया हूँ, दैट इमेजिन करो कि सारी की सारी आपकी हूँ, यानी एक आपने ट्रैफिक जो है ना सिग्नल आपने मला हुआ है, उस पर कब्जा किया हुआ है, फ़ोन होल्डर्स भी आपके हैं, चार्जिंग सिगरेट्स, चार्जिंग केबल, सिगरेट, USB जो होते हैं, कन्वर्टर्स, पानी, हर किस्म का गुलाब, जैस्मिन्स, गरगा क्या बोलते थे इसको, गजरा, ब्रांडेड स्नैक्स, ले सारे का सारा आपका हो, और आप एक किनारे पे बैठे हो जो सुपरवाइजिंग एवरीथिंग, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, यानी 1,00,000 रुपए की टोटल इन्वेस्टमेंट है, बट व्हाट वुड यू पोटेंशियली मेक, आप क्या कमाओ 10,000 से 5, क्या व्हाट इज दैट, 1,000 सारा कर लो तो 10,000 कर लो, इन द वर्स्ट इन बेस्ट केस सिनेरियो 50,000 फी अपना आइटम, और उसमें क्या होगा कि यस आपका खर्चा बढ़ जाएगा, ठीक है 50,000 आपके पास नहीं आएगा, 2,500 आएगा, क्योंकि 25,000 ही आएगा बिकॉज आपने तनख्वाहें वगैरह देनी है, लेकिन इट्स एन एम्पायर, कहीं ना कहीं से तो शुरू करना है हमें, ओके और यहाँ पे आपको सब कुछ वो मिल जाएगा सीखने के लिए, कस्टमर सर्विस, हत्ता कि आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप चार्जिंग केबल जो है वो टेस्ट करें, अच्छी क्वालिटी की बेचें, 30 रुपये वाले मत बेचें, 40 रुपये जो मिलते हैं राजा बाजार से या एनी मार्केट जो आपके करीब है वहाँ से वो वाले बेचें, ताकि कल को फिर से वो बंदा जा रहा हो, ये केबल ऐसी चीज़ें टूट जाती है एवेंचुअली, गुम हो जाती है, मैंने हज़ारों नहीं हज़ारों गुम हो गए, फिर गुजरते यार ये लो 80 रुपये, ये लो 100 रुपये मुझे एक और पकड़ा दो, दैट काइंड ऑफ आइटम, ठीक है, बंदे को सोचना पड़ेगा नहीं यार ये वाले लेते हैं तो टूट जाते हैं, खराब हो जाते हैं, फिर आपसे लेगा नहीं, ठीक है, तो यू हैव अ कैप्टिव ऑडियंस, जाओ अपनी रोजी कमाओ, बिकम अ मिलियनेयर जंक्शन से, ठीक है, एंड ऑल्सो हेलो कैमरा, मैं भूल गया हूँ ये कैमरा भी हमने लगाया हुआ है, तो एनीवे अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, उम्मीद करता हूँ कि आपका दिमाग थोड़ा चलना शुरू हुआ है, आई हैव स्पार्क्ड सम आइडियाज़, मैंने कोई बिजली वगैरह स्पार्क्स को क्या बोलेंगे, यू अंडरस्टैंड अंग्रेजी, इतनी तो आपको आती है, मैं हूँ आज़ाद चाय वाला, अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा, अस्सलाम वालेकुम, गजरे, गजरे।